गांव वालों का मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, एक तो उस भरोसे को मैं एक जिम्मेदारी समझता हूँ, तो मैं उसको अपनी जिम्मेदारी की तरह निभाता हूँ कि गांव वालों को भरोसा नहीं तोड़ना है। ग्रैंड फिनाले लग रहा है हर परफॉर्मेंस, हर बच्चे का घर जैसा माहौल है। 15 के 15 सारे अपने भाई लोग हैं, बहनें हैं, उसमें हमारी मैम लोग हैं, वो सब मॉम डैड जैसे बिहेव करते हैं, बढ़िया घर का जैसा हमें लग रहा है। मैं बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ, मैं 2.5 साल की उम्र से। विशाल सर भी फेवरेट है मेरे, नेहा मैम भी फेवरेट है, और हिमेश सर भी। हेलो पवनदीप, वेलकम ऑन फीफा फूस, और बहुत बहुत बधाई हो आपको, टॉप 15 के हिस्सा बन चुके हैं आप, इंडियन आइडल जर्नी शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है। पहले तो सभी को नमस्कार और थैंक यू सो मच, और बहुत ज़्यादा खुशी है, और बहुत इतनी ज़्यादा आबादी है हमारे देश में, और बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, और पूरे देश में से टॉप 15 चुनना मतलब एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, और काफ़ी खुशी हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडियन आइडल जैसे मंच पे हम लोग टॉप 15 में हैं। जी बिल्कुल, और ऑडिशंस की अगर बात करें, यू नो काफी ऐसे कम ऑडिशन होते हैं जो काफी वायरल होते हैं, एक उनमें से एक आपका भी ऑडिशन रहा, इतनी बैंगर ऑडिशन था, हारमोनियम प्ले कर रहे हो आप, सॉन्ग आ रहे हो, और वो गाने की फरमाइश बाद में नेहा कक्कड़ ने वापस की कि वही गाना आप वापस गाओ, कैसे रहा वो पूरा पूरा वो दौर कैसे रहा पवनदीप, कितना मजा आया। मैं हमेशा परफॉर्मेंस से पहले डरा हुआ रहता हूँ थोड़ा सा, वो ज़रूरी भी है मेरे लिए, और बट मेरे को ये पता नहीं चलता है कि कैसा हुआ परफॉर्मेंस, क्योंकि उतना जितना टाइम मैं स्टेज पे रहता हूँ वो एक सपने जैसा लगता है मुझे। एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि टीवी के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं, लोग तो टीवी पे देखते हैं ना, तो हम लोग टीवी के अंदर ही होते हैं, तो उसमें ज़्यादा घबराहट होती है, तो बहुत एक अलग एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा। इतने गुणी जजेस के सामने मैं गाया, उनसे अच्छे कमेंट मिलना एक बहुत खुशी की बात होती है हमारे लिए, और कोशिश कर रहा हूँ कि और अच्छा करूँ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और बात थिएटर राउंड की थी, थिएटर राउंड में मैंने अच्छा करने की कोशिश की थी, और जजेस ने काफ़ी सराहा, और अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और बहुत सीखने को मिल रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि जितने 15 हमारे टॉप 15 है उसमें से सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर हैं, तो किसी से थोड़ा सा कुछ ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, तो एक पैकेज जैसा मिल रहा है फ्री में, तो पूरा सीख लेना है उसे, क्लासेस भी हो रही है। वाह क्या बात, और पूछना चाहेंगे कि एक जब कंटेस्टेंट आता है तो उसके साथ फैमिली होती है, ठीक है, आप तो पूरा शहर लेकर आए, आपका गांव लेकर आए, क्या कहेंगे, मतलब दे सपोर्ट, इतना सपोर्ट मिलता है आपके ऑडिशन के वक्त भी, वो इतने खुश थे, चेयर कर रहे थे आपको, क्या कहेंगे अपने गांव के बारे में, शहर को लेकर पवनदीप, कितनी खुशी होती है। गांव वालों को लगता है कि मैं कुछ म्यूजिक में कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप जाइए, अभी इंडियन आइडल आ चुका है तो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्मेंस दीजिए, और मेरे गांव वालों का मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, एक तो उस भरोसे को मैं एक जिम्मेदारी समझता हूँ, तो मैं उसको अपनी जिम्मेदारी की तरह निभाता हूँ कि गांव वालों को भरोसा नहीं तोड़ना है, और अपने परफॉर्मेंस पे खरा उतरना है, या उनके लिए गाना है। इंडियन आइडल पे तो हम लोग हैं ही, सारे लोग अच्छा ही गाते हैं, पर कोशिश करूँगा कि जितने भी मेरे को सॉन्ग्स मिले वो अच्छे से मैं परफॉर्म करूँ, और गाँव की भी याद बहुत आती है, आप यहाँ शहरों में रह के तो मतलब कि वहाँ का फील ही अलग है, तो काफी अच्छा लग रहा है, और इतना सपोर्ट मिल रहा है अपने घर से ही, तो बहुत खुश हूँ मैं। क्या बात है, पूरा आपका गांव आपके साथ बना हुआ है, और क्या चाहिए होता है किसी को, इतना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है पवनदीप आपको, और ग्रैंड प्रीमियर की इतनी शानदार परफॉर्मेंस रही है, कितने खुश हो, कितने एक्साइटेड हो, किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है सभी से पवनदीप। जनता का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और सभी लोग इतना प्यार दे रहे हैं, और बहुत खुशी होती है कि कोई इतना आपको प्यार करता है, तो और जिम्मेदारियां और बढ़ने लगती हैं आगे आगे को जाके, एक कंपटीशन की तरह नहीं लूंगा मैं, एक जिम्मेदारी की तरह लूंगा कि आगे और अच्छा करना पड़ेगा, पब्लिक अच्छा सुन रही है इसलिए आ रही है, तो कोशिश करूंगा कि और अच्छा हो परफॉर्मेंस, और काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा है ये, और इंडियन आइडल एक ऐसा मंच है जो कि आप देख रहे होंगे कि अभी 3 ही ऑडिशन और 2-3 ही राउंड हुए हैं, और सारे बच्चे एक से एक ऐसा धुआंधार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ग्रैंड फिनाले लग रहा है हर परफॉर्मेंस हर बच्चे का, जी तो बहुत मजा आ रहा है वहाँ पे, सोफे पे बैठ के सुनने में भी बहुत मतलब ऐसा लगता है कॉन्सर्ट सुन रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन वगैरह नहीं है।
क्या बात है, कितना मजा आ रहा है कंटेस्टेंट के साथ, दोस्ती किसके साथ हुई है, किस तरह से माहौल रहता है पूरा आप कंटेस्टेंट में, पूरे शो के वक्त और रिहर्सल्स के वक्त? जी ऐसा है कि सब अभी पूरा घर जैसा माहौल है, 15 के 15 सारे अपने भाई लोग हैं, बहनें हैं उसमें, हमारी मैम लोग हैं, वो सब मॉम डैड जैसे बिहेव करते हैं, बढ़िया घर का जैसा हमें लग रहा है यहाँ पे। और दोस्ती भी सभी से हुई है और सभी लोगों से अच्छी दोस्ती है, मैं और आशीष भाई रूममेट हैं तो हम दोनों अच्छा, खास दोस्ती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नए लोगों से मिलते हैं, उनसे उनके बारे में जानते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं, और तो काफी एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल। और म्यूजिक में कितना एक्सप्लोर करोगे इस शो में पवनदीप, इतना अच्छा मौका मिला आपको, रोमांटिक नंबर्स तो हम सुन ही रहे हैं आपसे, और क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या पवनदीप करने वाले हैं फॉर दिस शो, फॉर योर एवरी परफॉर्मेंस इन इंडियन आइडल? मैम कोशिश करूंगा कि हर प्रकार का गाना मैं पेश करूं, और सारे प्रकार का मैंने कोशिश की है कि प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से की है कि कोई भी गाना मिले अगर कोई किसी भी जॉनर का हो तो मैं उसको अच्छे से निभा सकूं। गाना तो दूर की बात है क्योंकि म्यूजिक तो एक इतना बड़ा सागर है कि हम बूंद भी नहीं है उसकी, तो उस बूंद में से एक कोशिश मैं भी करूंगा कि हर गाना अच्छा हो और आगे को वैरायटीज भी हो गानों में, और कुछ और इंस्ट्रूमेंट में बजा सकूं साथ में तो वो भी ट्राई करूंगा जितना मेरे से हो सकेगा, और कोशिश करूंगा कि अच्छा करूं। जजेस से कितना मजा आ रहा है उनके साथ, उनकी केमिस्ट्री तो मतलब बैंग ऑन ही रही है तीनों की हर सीजन में, हिमेश जी हो, विशाल हो, नेहा हो, आपको कितना मजा आ रहा है परफॉर्मिंग? बहुत मजा आता है जी, वो लोग कमेंट देते हैं जब, तो उसको मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, अगर कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो उससे सीखने को मिलता है कि हाँ ये अगर ये सोच के बोल रहे हैं कुछ तो होगा इसमें बात, तो वो कुछ भी एक कमेंट करते हैं तो उस पर बहुत ध्यान देता हूँ कि सर ने ठीक बोला, ये बात अच्छी है, तो उसको लेके फिर और आगे परफॉर्मेंस में अच्छे से करने का कोशिश करता हूँ। और बाकी मैम बढ़िया ही हो रहा है, सब मज़ा आ रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है जी। ये जिस तरीके से आपने कहा कि अभी अच्छा लग रहा है, पूरी चीजें सेट हो रही है, लेकिन इसके पहले ऑब्वियसली आपने कितने हार्ड वर्क्स किए होंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, उस जर्नी को लेकर अगर कुछ पवनदीप हमसे शेयर करें आप। मैं बचपन से म्यूजिक कर रहा हूँ मैम, 2.5 साल की उम्र से, तो अभी म्यूजिक की जर्नी, किसी का भी एक सपना होता है कि वो अगर कुछ भी करे तो उसके हाई एक पीक पर जाए, और सभी को ऐसा कोशिश करना ही चाहिए क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है, और इंडियन आइडल ने ये मेरे को बताया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप अगर आप में पोटेंशियल है तो आप कर सकते हो, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इंडियन आइडल को, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया और मैं भी उनके भरोसे पे खरा उतरना चाहूँगा और अच्छा परफॉर्म करूँगा, मैं बहुत खुश हूँ मैम यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, और कोई फेवरेट जज आपके तीनों में से? मैम देखिए तीनों जजेस फेवरेट कहना मतलब बहुत मुश्किल होगा क्योंकि तीनों बहुत अपने अपने क्षेत्र में धुरंधर हैं, तो सारे जजेस बहुत गुणी हैं और उनसे बहुत कुछ सीखना है, उन लोग उनके एक से एक गाने हैं बॉलीवुड में, तो वही सब हम लोग सुनते हैं, उन्हीं को हम गाते हैं मैम, तो ऐसा नहीं कहूँगा कौन फेवरेट हैं, और विशाल सर भी फेवरेट हैं मेरे, नेहा मैम भी फेवरेट हैं, और हिमेश सर भी। क्या कहेंगे फैंस को जाते जाते, कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा आप सभी लोगों को पहले तो बहुत हाथ जोड़ के प्रणाम, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं आपको अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगा इंडियन आइडल में, और आप प्यार करते रहिए, और एक कोविड का टाइम है तो सभी लोग घर पे रहिए, खुश रहिए और ध्यान दीजिए सफाई से एकदम, कोरोना ना पकड़े, और इंडियन आइडल को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुझे एक मौका दिया आप सभी से, लोगों से रूबरू होने का, इतनी जनता से दोबारा रूबरू होने का, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मेहनत कीजिए सभी लोग, हम भी मेहनत ही कर रहे हैं और सफलता मिल जाएगी अगर प्रॉपर मेहनत हो रही है, मेरे को क्या बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट पवनदीप आपके इंडियन आइडल में आगे की जर्नी के लिए, होप हम आपको फिनाले तक देखें और आप ऐसे ही हमें एंटरटेन करें परफॉर्मेंस से। बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू।